जे टॉगल बटन के साथ में आइटम लिसनर यूज करना। जैसे मैंने यहां बोल्ड बटन पे क्लिक किया तो एक बार इसका स्टाइल बोल्ड हो गया, दूसरी बार क्लिक किया तो नॉर्मल स्टाइल हो गया। ऐसा ही इटैलिक टॉगल बटन पे क्लिक किया तो ये प्रेस हो गया और इस पे इटैलिक स्टाइल अप्लाई हो गया। वापस क्लिक किया तो ये नॉर्मल स्टेट में आ गया और इस पे इटैलिक स्टाइल हट गया। बोल्ड इटैलिक पे क्लिक किया तो ये जो टॉगल बटन है इसका खुद का ही स्टाइल बोल्ड इटैलिक हो गया। वापस क्लिक करेंगे तो बोल्ड इटैलिक स्टाइल से प्लेन स्टाइल में आ जाएगा। जे टॉगल बटन पे क्लिक करने पे कुछ वर्क होना चाहिए क्लिक करते ही, तो टॉगल बटन के साथ में क्या यूज में आएगा, आइटम लिस्नर। तीन जे टॉगल बटन लिए मैंने, ए बी और सी, और कोई भी कंपोनेंट नहीं है इसमें, तीन टॉगल बटन है। तीन टॉगल बटन और नीचे ये खाली एरिया है एक, जहां पे कोई भी कंपोनेंट नहीं है। अब मेन के अंदर मैंने स्विंग 20 क्लास का ऑब्जेक्ट बनाया, इससे कंस्ट्रक्टर कॉल होगा। इसमें मैंने टाइटल साइज सेट किया, ग्रिड बनाई 4x1 की, तीनों टॉगल बटन्स को मेमोरी अलोकेट करी, बोल्ड इटैलिक और बोल्ड इटैलिक, न्यू जे टॉगल बटन। इसके बाद मैंने तीनों को ऐड किया, तीनों जे टॉगल बटन्स को मैंने फ्रेम पे ऐड किया। तीनों टॉगल बटन के क्लिक करने पे कुछ वर्क होना चाहिए तो तीनों के साथ में मैंने आइटम लिसनर को ऐड किया। अब आइटम लिसनर यूज किया है तो आइटम स्टेट चेंज अपने को बनाना पड़ेगा, क्योंकि आइटम लिसनर इंटरफेस के अंदर आइटम स्टेट चेंज होता है। अब इसके अंदर मैंने चेक किया, इफ इवन डॉट गेट सोर्स इक्वल टू ए, मतलब फर्स्ट वाला टॉगल बटन प्रेस किया गया। अब प्रेस करने पे वो सेलेक्ट भी हो सकता है और डीसेलेक्ट भी हो सकता है, तो मैंने कंडीशन लगाई इफ इवन डॉट गेट स्टेट चेंज इक्वल टू आइटम इवेंट डॉट सेलेक्टेड। अगर उसको सेलेक्ट किया गया, फर्स्ट वाला मतलब बोल्ड वाले को सेलेक्ट किया गया, तो बोल्ड स्टाइल अप्लाई होना चाहिए। तो मैंने ए डॉट सेट फॉन्ट, न्यू फॉन्ट, फॉन्ट का नाम, स्टाइल में बोल्ड दिया और साइज में 20 दिया। और अगर एल्स पार्ट में आता है तो ये सेलेक्ट नहीं किया गया, ये डिसेलेक्ट किया गया। डिसेलेक्ट किया गया है तो इसका स्टाइल फॉन्ट डॉट प्लेन होना चाहिए। तो अगर बोल्ड वाला रेडियो बटन पहली बार क्लिक किया गया, मतलब प्रेस किया गया, तो उस पर बोल्ड स्टाइल अप्लाई होगा, अनप्रेस किया गया तो उस पर प्लेन स्टाइल अप्लाई होगा। बी वाला जो टॉगल बटन है, बी जिसका नाम है, वो इटैलिक वाला है, तो मैंने चेक सेलेक्ट इफ इवेंट डॉट गेट स्टेट चेंज इक्वल टू आइटम इवेंट डॉट सेलेक्टेड, मतलब इसको चेक किया गया, तो बी डॉट सेट फॉन्ट, न्यू फॉन्ट, फॉन्ट का नाम दिया और स्टाइल में मैंने इटैलिक। और अगर इसको डीसेलेक्ट किया गया तो इसका स्टाइल क्या किया मैंने, प्लेन। नेक्स्ट सी वाला टॉगल बटन, मतलब बोल्ड इटैलिक, अगर उसको सेलेक्ट किया गया है तो मुझे दो स्टाइल अप्लाई करने हैं, तो उनको प्लस से कंबाइन करना है, फॉन्ट डॉट बोल्ड प्लस फॉन्ट डॉट इटैलिक। और अगर उसको डीसेलेक्ट किया गया है तो फॉन्ट डॉट प्लेन। अभी तक अपन ने दो लेआउट किए, एक तो ग्रिड लेआउट और दूसरा अपन ने किया है नल लेआउट। तीसरा लेआउट होता है बॉर्डर लेआउट। बॉर्डर लेआउट में जो कंटेनर होता है, कंटेनर का मतलब यहां फ्रेम से है, फ्रेम एक कंटेनर है जिसमें अपन कंपोनेंट्स ऐड करते हैं। तो बॉर्डर लेआउट में जो कंटेनर होता है, मतलब अपने केस में अभी फ्रेम, ये पांच एरियाज में डिवाइड होता है। पांच एरियाज कौन कौन से होते हैं, वो नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, वेस्ट और सेंटर। ये है सेंटर,
और बाकी जो चार आपको दिख रहे हैं नॉर्थ साउथ ईस्ट और वेस्ट, ये चार एरिया तो है नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट, और बीच में जो है वो सेंटर। अब ये वाला लेआउट कहाँ काम में आता है, जैसे गेम्स वगैरह डिजाइन होते हैं जिसमें बीच वाला एरिया तो बड़ा होता है और बाकी ऊपर कंपनी का नाम आ रहा है, या लेफ्ट राइट में प्लेयर कंट्रोल आ रहे हैं, या स्कोर आ रहा है, या दूसरा इसका एग्जाम्पल है जैसे अपन नोटपैड बनाना हो या खुद का एडिटर बनाना हो, तो बीच वाला जो एरिया होगा वहां पे तो टेक्स्ट एरिया आएगा और बाकी लेफ्ट राइट में टूल बार्स आ सकती हैं या स्टेटस बार्स आ सकती। तो बॉर्डर लेआउट ऐसा लेआउट होता है जिसमें कंटेनर 5 रीजन्स में डिवाइडेड होता है। 5 रीजन्स होते हैं ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ और सेंटर। हर रीजन में सिर्फ एक कंपोनेंट डायरेक्टली ऐड किया जा सकता है। ये जो सामने आपको डायग्राम दिख रहा है इसके अंदर बीच में 4 कंपोनेंट आपको एडेड दिख रहे हैं, वो डायरेक्टली ऐड नहीं हुए हैं, वो कैसे ऐड हुए हैं वो अपन डिस्कस कर रहे हैं। और बाकी नॉर्थ साउथ ईस्ट और वेस्ट में आपको एक एक बटन दिख रहा है, क्लोज शो डिस्प्ले और क्लियर। और इसके अलावा आपको इसमें दिख रहा होगा कंपोनेंट्स के बीच में यहाँ पे वर्टिकल गैप है और इधर हॉरिजॉन्टल गैप है। तो बॉर्डर लेआउट और साथ में अपन कंपोनेंट्स के बीच में गैप भी स्पेसिफाई कर सकते हैं। मैंने यहाँ पे एक्सटेंड जे फ्रेम लिखा है, बटन्स के क्लिक करने पे कुछ भी नहीं करना है इसलिए कोई लिसनर यूज नहीं किया है। 4 बटन आ रहे हैं नॉर्थ साउथ ईस्ट और वेस्ट में, उनके नाम दिए हैं मैंने BTN ABC और D। सेंटर में एक दो लेबल आ रहे हैं और 2 टेक्स्ट फील्ड आ रहे हैं, तो मैंने उसके टाइप के वेरिएबल डिक्लेयर किए। फिर कंस्ट्रक्टर के अंदर मैंने सबसे पहले टाइटल सेट किया, फिर बॉर्डर लेआउट क्लास का ऑब्जेक्ट बनाया B, जैसे अपन ग्रिड लेआउट का बनाते थे वैसे ही बॉर्डर लेआउट का ऑब्जेक्ट बनाया B। बॉर्डर लेआउट क्लास java.awt पैकेज में होती है। अब कंपोनेंट्स के बीच में हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल गैप सेट करना हो तो b.setHGap, कंपोनेंट्स के बीच में हॉरिजॉन्टल गैप कितना होना चाहिए, b.setVGap, कंपोनेंट्स के बीच में वर्टिकल गैप कितना होना चाहिए। फिर मैंने लेआउट सेट किया, साइज सेट किया, चारों बटन्स को मेमोरी अलोकेट करी, शो क्लोज क्लियर और डिस्प्ले BTN ABC और D। फिर मैंने यहां मेमोरी अलोकेट करी 2 टेक्स्ट बॉक्सेस को और 2 लेबल्स को। अब जैसा मैंने आपको बताया कि हर रीजन में एक ही कंपोनेंट ऐड हो सकता है, तो लेफ्ट नॉर्थ साउथ ईस्ट और वेस्ट में तो एक एक कंपोनेंट ही है, लेकिन बीच में आपको ज्यादा कंपोनेंट्स दिखाई दे रहे हैं 4। तो अब अगर आपको ऐसा करना हो तो एक नई क्लास है जे पैनल। जे पैनल क्लास का यूज करके अपन क्या कर सकते हैं, किसी भी रीजन में मल्टीपल कंपोनेंट्स इनडायरेक्टली ऐड कर सकते हैं। जे पैनल एक कंटेनर है, जे पैनल के अंदर भी अपन कंपोनेंट्स ऐड कर सकते हैं। मैंने एक जे पैनल लिया पी, जे पैनल क्लास भी java.x.swing में है। जे पैनल का लेआउट सेट किया मैंने 2x2। फिर जे पैनल के अंदर मैंने कंपोनेंट्स ऐड किए कौन कौन से, 2 लेबल और 2 टेक्स्ट फील्ड p.add, ये j पैनल में ऐड होंगे। lbl रोल नंबर, txt रोल नंबर, lbl नेम और txt नेम। तो j पैनल के अंदर मैंने कंपोनेंट्स ऐड किए, अभी फ्रेम पे कुछ भी ऐड नहीं हुआ है। अब j पैनल का मुझे बॉर्डर सेट करना है तो मैंने लिखा, j पैनल का नाम है p.setBorder, borderfactory.createLineBorder, color.red,2। तो J पैनल के चारों तरफ बॉर्डर आएगा।
अब फ्रेम पे मुझे कंपोनेंट्स ऐड करना है। ऐड अभी तक तो ऐड अपन एक आर्ग्यूमेंट वाला ही यूज करते थे, अब ऐड btn a, btn a कहाँ ऐड होना चाहिए, बॉर्डर लेआउट डॉट ईस्ट, ईस्ट डायरेक्शन, btn b वेस्ट डायरेक्शन में, btn c नॉर्थ डायरेक्शन में, btn d साउथ डायरेक्शन में, और p नाम का पैनल सेंटर, p नाम का पैनल सेंटर में ऐड होगा। पैनल के अंदर चार कंपोनेंट हैं, इसलिए आपको सेंटर में चार कंपोनेंट दिख रहे हैं। इसी तरह से अगर मुझे नॉर्थ में पांच बटन ऐड करना है तो मैं एक और पैनल बनाऊं, उसमें पांच बटन ऐड करूं और उसको नॉर्थ में ऐड कर दूं। तो किसी भी रीजन में अगर आपको एक से ज्यादा कंपोनेंट्स ऐड करने हैं तो आप एक पैनल बनाओगे, उस पैनल के अंदर कंपोनेंट्स ऐड करोगे और पैनल को स्पेसिफिक रीजन में ऐड करोगे। डायरेक्टली एक रीजन में एक ही कंपोनेंट ऐड हो सकता है। हम कंपेयर करें तो देखो, ये सामने प्रिंट डायलॉग बॉक्स आया, प्रिंट डायलॉग बॉक्स के अंदर एक तो आ रहा है सेलेक्ट प्रिंटर, इसके चारों तरफ लाइन आ रही है, बाउंड्री आ रही है, मतलब बॉर्डर आ रहा है, और एक आ रहा है ये पेज रेंज, इसके चारों तरफ बॉर्डर आ रहा है, और एक ये आ रहा है नंबर ऑफ कॉपीज कॉलेट वाला, इसके चारों तरफ बॉर्डर आ रहा है। तो ये है तीन पैनल। तो पैनल होता है विंडो का पार्ट, और एक पैनल के अंदर उससे रिलेटेड कॉम्पोनेंट्स प्लेस किए जाते हैं, जैसे कि यहाँ पे सेलेक्ट प्रिंटर वाला एक पैनल है, पेज रेंज का दूसरा पैनल है, और ये नंबर ऑफ कॉपीज कॉलेट का तीसरा पैनल है। तो पैनल्स का यूज करके अपन ग्रुपिंग कर सकते हैं कंपोनेंट्स की फ्रेम विंडो पे डिस्प्ले करते हुए। एक पैनल के अंदर दूसरा पैनल ऐड कर सकते हैं, एक फ्रेम में दूसरा फ्रेम ऐड नहीं होता है, फ्रेम एक विंडो है, पैनल विंडो का पार्ट है। फ्रेम का टाइटल बार बॉर्डर होता है, जबकि पैनल के केस में टाइटल बार जैसा कुछ नहीं होता है। अब यहां पे जैसा कि आपको दिख रहा होगा, यूजिंग जे पैनल एक हेडिंग है, यूजिंग जे पैनल हेडिंग आ रही है इस पे टाइटल बार में, और यहाँ पे डेटा वन डेटा टू दो लेबल है, इनके सामने दो टेक्स्ट फील्ड है। अब ये एक कट कॉपी पेस्ट तीन बटन है, ये सेलेक्ट सेलेक्ट ऑल और सेलेक्टेड तीन बटन, और पहले तीन बटन एक पैनल में है, अगले तीन बटन दूसरे पैनल में है। अभी तक अपन ने ऐसा कुछ नहीं किया है कि पहली रो में तो दो कंपोनेंट आ रहे हैं, दूसरे में दो आ रहे हैं, और तीसरे में छह कंपोनेंट्स आ रहे हैं। अब अगर अपने को ग्रिड लेआउट में ऐसा करना हो कि हर रो में नंबर ऑफ कंपोनेंट्स अलग अलग होने चाहिए, तो वहां पे भी पैनल ही यूज में आते हैं। इस लेआउट को बनाने के लिए अपन ग्रिड लेआउट यूज करेंगे 3x2 का। फर्स्ट रो में ये दो कंपोनेंट्स, सेकंड में दो कंपोनेंट्स, और थर्ड में ये दो पैनल्स लेंगे। तो ग्रिड लेआउट प्लस पैनल का यूज करेंगे इसमें, यूजिंग जे पैनल विद ग्रिड लेआउट। तो यहां मैंने लिया जे लेवल एलबीएल, दो जे टेक्स्ट फील्ड लिए हैं मैंने यहां, और बटन्स लिए हैं छह, तीन एक पैनल में और तीन दूसरे पैनल के अंदर। तो दो लेबल, दो टेक्स्ट फील्ड और छह बटन्स। मेन के अंदर मैंने स्विंग 22 क्लास का ऑब्जेक्ट बनाया, इसमें मैंने टाइटल सेट किया, साइज सेट किया, लेबल्स को, टेक्स्ट फील्ड्स को और बटन्स को मेमोरी अलॉकेट करी। इसके बाद इसका मेन स्टार्ट होता है। अब मैंने ग्रिड बनाई 3x2 की, तीन रो और हर रो में दो कॉलम। फिर मैंने लेआउट सेट किया, फ्रेम का लेआउट हो गया 3x2। फिर मैंने एक जे पैनल बनाया, जे पैनल P1 इक्वल टू न्यू जे पैनल,
और कंस्ट्रक्टर में ही मैंने लेआउट सेट कर दिया 1/3, हर पैनल में एक रो होगी और तीन कॉलम होंगे, हर पैनल में तीन बटन आ रहे हैं एक ही लाइन में, तो दोनों पैनल्स का लेआउट मैंने सेट किया 1/3। फ्रेम पे मैंने ऐड किया LBL1 और TXT1, ये फ्रेम पे फर्स्ट रो में आएगा, LBL2 TXT2 ये सेकंड रो के अंदर आएगा। अब बची थर्ड रो, थर्ड रो में 6 बटन चाहिए, तो मैंने पहले 3 बटन्स को P1.add, BTN 1, 2 और 3, फर्स्ट पैनल में 3 बटन ऐड किए और सेकंड पैनल में 4, 5, 6 3 बटन ऐड किए, और फिर मैंने लिखा ऐड P1, इससे पैनल 1 जे फ्रेम पे थर्ड रो में ऐड होगा और पैनल 2 उसी के आगे थर्ड रो में ऐड होगा। तो थर्ड रो में पहले पैनल में 3 कंपोनेंट्स हैं, दूसरे में भी 3 कंपोनेंट्स हैं, तो टोटल थर्ड रो में 6 कंपोनेंट्स दिखेंगे। तो इसका मतलब यह है कि अगर आपको नंबर ऑफ कंपोनेंट्स डिफरेंट चाहिए हर रो में, तो डायरेक्टली ग्रिड लेआउट में पॉसिबल नहीं है। आप एक पैनल लो, पैनल के अंदर आप कंपोनेंट्स ऐड करो और पैनल को फिर फ्रेम पे ऐड करो। एक पैनल के अंदर कितने भी कंपोनेंट ऐड हो सकते हैं, एक पैनल के अंदर दूसरा पैनल भी ऐड हो सकता है। P1.setBorder, BorderFactory.createLineBorder, color.red,4, रेड कलर का बॉर्डर आएगा 4 width का P1 पे, और ऐसा ही P2 पे ग्रीन कलर का बॉर्डर आएगा। ये आपको यहाँ P1 पे रेड कलर का बॉर्डर दिख रहा है और P2 पे ग्रीन कलर का बॉर्डर दिख रहा है।